हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हमारे खेत में और देख लिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने भिंडी हमारी लगना स्टार्ट हो गई और गिलकी में भी फल फूल आना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो बने रहे वीडियो में, हम आगे आपको वो पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो हम आज बताना चाहते हैं दोस्तों, देख लीजिए हमारी ये, इसको ये देसी भिंडी है दोस्तों, ये बरसात में होती है दोस्तों। देख लीजिए बरसाती भिंडी भी अपने हमारी ये लगना स्टार्ट हो गई। इसकी भिंडी का कलर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हल्का सफ़ेद रहता है दोस्तों। और यहाँ पर ये गर्मी की भिंडी भी यहाँ पे है दोस्तों, देख लीजिए इसमें अभी फैलाना स्टार्ट हो गया थोड़ा बहुत। तो ये है हमारी भिंडी दोस्तों, देख लीजिए भिंडी में हमने धनिया डाली थी, वो भी आपको दिखाएंगे दोस्तों। अभी भिंडी के बीच में दो लाइनों के बीच में हमने धनिया की बुआई कर दी थी दोस्तों, देख लीजिए बहुत बढ़िया हो रहा है अभी, क्योंकि भिंडी के साथ साथ धनिया भी खाने के लिए हो जाएगा दोस्तों। तो अब आके दिखाएंगे दोस्तों कि हम गिलकी भी अभी लग गए हैं, फूल भी आना स्टार्ट हो गया दोस्तों। इसमें कहीं कहीं फूल भी आ रहे दोस्तों, देख लीजिए पूरी गिलकी, और हमने तार बंधाई कर दी है। अभी 8 अप्रैल 2024 को ये वीडियो बनाई जा रही है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम ये आपको दिखाएंगे कि हमने तार बंधाई करके और यहाँ पर इस बेल को चढ़ा दिया खुट्टे रोप के और उसमें धागे लगा के, तो ये गिलकी हमने ऊपर चढ़ा ली है दोस्तों। देख लीजिए लाइन टू लाइन बीच में भाजी, हमने पहले वीडियो में दिखा दिया था बीच में भाजी लगा रखी है दोस्तों। तो ये भाजी अब निकल जाएगी, उसके बाद में गिलकी की बेल फैल जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़े से एरिए में ये गिलकी है और ये खुट्टे हमने डबल डबल इसलिए बनाए दोस्तों, क्योंकि हवा बरसात में ये क्या है कि यहाँ हवा बहुत चलती है, तो हवा के कारण ये गिरे ना, इसलिए हमने हर लाइन में दो दो खुट्टे लगाए हैं दोस्तों। देख लीजिए हर लाइन में लगभग आपको दिखाई दे रहे होंगे दो खुट्टे। यहाँ पे बहुत किसे किसान क्या करते हैं, ये खुट्टा दो लगाया उसके बाद में एक खुट्टा लगाते, दूसरे बार फिर दो लगाते, तो हमने पूरी लाइन में दो दो खुट्टे ही लगा दिए दोस्तों। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर दो ये दो खुट्टे हैं और यहाँ पर भी दो खुट्टे हैं, और यहाँ से पूरा ये दो दो खुट्टे की लाइन लगाई दोस्तों, और यहाँ पर बीच बीच में ये ककड़ी की बेल यहाँ पर फैल जाएगी दोस्तों, ये ककड़ी लग रही है और गुवार है बीच में, तो गुवार भी यहीं रह जाएगी और गिलकी ऊपर चढ़ जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार की खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये करेले की लाइन, दो लाइनों में करेले लगाए दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर करेले और बीच में पालक है, बीच में पालक लगा दी है तो, और बीच में फिर गोभी भी लगाई, क्योंकि घर के लिए गोभी भी हो जाएगी, पालक भी हो जाएगी, करेले हो जाएगी और लगभग हर तरह की सब्जी अपने घर पर ही हो जाएगी दोस्तों, देख लीजिए। और ऊपर मंडप हमने बनाया, जाली हमारी पुरानी जाली पड़ी थी उसको हमने करेले चढ़ाने के लिए दोस्तों यहाँ पर लगा दिया ये, ताकि यहाँ पर करेले चढ़ के और ऊपर आसानी से लग जाए दोस्तों, इसलिए ये हमने ऐसे लगाया है दोस्तों। तो इस प्रकार की खेती करके डबल मुनाफा कमा सकते दोस्तों, और अच्छी पैदावार और कम ज़मीन में ही ऐसा कर सकते दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा ज़मीन नहीं है और ज़्यादा पानी ना होने के कारण हमने ये डबल डबल फसल इसमें लगा रखी दोस्तों। क्योंकि जब तक ये बेल बड़ी होगी तब तक ये हमारी पालक कट के मार्केट में जाएगी दोस्तों,
और यहाँ करेले सड़ेंगे तब तक ये ककड़ी भी निकल जाएगी दोस्तों। देख लीजिए फल लगभग पूरे में आना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर और भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ। यहाँ तुराई है, जैसे कि तुराई में हमने क्या क्या लगा रखा है। यहाँ पर एक मिर्ची का पौधा दिखाई दे रहा होगा आपको, ये मिर्ची है अभी और वहाँ भी मिर्ची है और इसमें ये तुराई। उसके बाद में यहाँ पर खीरा है, उसके बाद में यहाँ पर ये छोला, उसके बाद में फिर मिर्ची, उसके बाद में तुराई, उसके बाद में फिर मिर्ची, उसके बाद में छोला, उसके बाद में फिर मिर्ची। लगभग पूरे लाइनों में हमने इस थोड़े से एरिए में दोस्तों 10 सब्जियां लगा रखी है इसमें। और यहाँ पर बैंगन भी ये लगाए हैं, इसमें बैंगन भी अभी लगना स्टार्ट हो गया दोस्तों। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर बैंगन है। तो ये बेल सड़ जाएगी, उसके बाद में बीच में बैंगन पड़े रहेंगे और ये खीरा भी नीचे रहेंगे दोस्तों, उसको ऊपर नहीं सड़ाएंगे। और यहाँ पर आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ये टिंडा। टिंडा तो हमारा ये लग गया है दोस्तों, देख लीजिए बहुत बढ़िया हो गया टिंडा। टिंडा की खेती में जल्दी से फल एकदम आ जाता है दोस्तों, और खाने के लिए जल्दी से जल्दी अपना काम स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो ये दो लाइनों में हमने टिंडे लगाए दोस्तों, तो लगभग टिंडे तो भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं। अब ये हम खा रहे हैं ऐसे तोड़ के, ये देख लीजिए दोस्तों पूरा टिंडा ही टिंडा लग रहा है अभी। और यहाँ पर लौकी की लाइन है, लौकी अभी फूल लगभग कहीं कहीं आ रहे और कहीं नहीं आ रहे, छोटी बेल है दोस्तों ये। अभी तो इसमें फूल ये आना स्टार्ट हो जाएगा थोड़े ही दिन में, देख लीजिए दो तीन लाइनों में अभी लौकी है दोस्तों। तो दोस्तों इतने एरिया में हम खेती करके बहुत बढ़िया हम मार्केट करके अपना घर चला सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपके वीडियो से देखने से हमारा और मनोबल बढ़ता है दोस्तों। तो अब यहाँ पर भिंडी देसी उगी थी दोस्तों, तो ये भी हमने रहने दिया है यहाँ पर। और ये बैंगन में फूल अभी लगभग बहुत बढ़िया आ रहा है, देख लीजिए दोस्तों। ये ककड़ी भी लगना स्टार्ट हो गया, ककड़ी में बहुत बढ़िया फूल है और लग भी रही है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।